आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर इकोलॉजिकल फूट प्रिंट वर्सेज कार्बन फूड प्रिंट इकोलॉजिकल फूट प्रिंट और कार्बन फूट प्रिंट में क्या डिफरेंस है? हैिंट क्या है इकोलॉजिकल फूटप्रिंट रिफर्स टू लैंड एंड वाटर एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज वी यूज एंड एब्जॉर्ब वी जनरेट स्पेशली कार्बन इंसन मीन्स कार्बन फूड प्रिंट इकोलॉजिकल फूड क्या है एक्चुअली इकोलॉजिकल फूड को सिंपल में अगर समझे तो इसका मतलब यह है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं और जो वेस्ट क्रिएट करते हैं उसको ही इकोलॉजिकल फूड प्रिंट कहते हैं अगर आप इकोलॉजिकल फूड को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियोज के लिंक जिनमें मैंने इकोलॉजिकल फूड को अच्छे से डिफाइन किया है एक्सप्लेन किया है उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उनको देख लीजिएगा बस यहाँ ये समझिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है वो क्या डिनोट करता है वो डिनोट करता है कि हमारा क्या डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो हम यूज करते हैं और हम क्या वेस्ट क्रिएट करते हैं उसके एब्जॉर्पन के लिए क्या नेचुरल रिसोर्स हमें चाहिए मतलब अगर हम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं जैसे फूड हुआ फिशेज हुए या कुछ भी हुआ जैसे टिम्बर हुआ पेपर हुआ फूड आइटम फाइबर्स ये सब हैं या फिशेज इन सब का हमें हम डिमांड करते हैं तो उसके लिए लैंड और वाटर एरिया चाहिए और हम जब फूड खाते हैं जब हम नेचर से कुछ चीज़ें लेते हैं मान लीजिए एनर्जी के लिए फासिल फ्यूल लिए या फूड लिए तो जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं तो उनके उनको एब्जॉर्व करने के लिए भी एरिया चाहिए तो उसी को इकोलॉजिकल फूड प्रिंट करते हैं और कार्बन फूड प्रिंट क्या है कार्बन फूड प्रिंट क्या है कार्बन फूड प्रिंट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन टू द एटमोसफियर बाई ए पार्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन तो कार्बन फुटप्रिंट डिफरेंट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक पार्ट है ठीक है एक कंपोनेंट है तो कार्बन फुटप्रिंट में क्या होता है कि इमिशन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फियर उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं अब यहाँ कार्बन से क्या मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस लेकिन कार्बन फुटप्रिंट में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कंसिडर किया जाता है लेकिन अदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इफेक्ट को भी काउंट किया जाता है कार्बन फूड प्रिंट में तो चलिए आगे इनको देखते हैं इकोलॉजिकल फूड प्रिंट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सिंगल इंडिविजुअल सिटी रीजन कंट्री एंड द इंटायर प्लेनेट मतलब इसका क्या है कि इकोलॉजिकल फूड प्रिंट एक इंडिविजुअल के लिए भी कैलकुलेट होता है एक सिटी के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है एक रीजन के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है और इवन इंटायर प्लेनेट के लिए भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट किया जा सकता है उसी तरह कार्बन फुटप्रिंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है इंडिविजुअल के 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 लिए, के लिए, के लिए फैमिली एन इवेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पूरे एक नेशन के लिए तो कार्बन फुटप्रिंट एक्शन होता है मतलब कार्बन फुटप्रिंट लाइक कार्बन इमिशन हुआ या CO2 हुआ, ये कैसे होता है किसी एक्शन की वजह से होता है वो एक्शन किसका हो सकता है वो या तो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है एक फैमिली का हो सकता है किसी इवेंट का हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है और इवन किसी देश का हो सकता है किसी नेशन का हो सकता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसमें क्वांटिफाई किया जाता है ग्लोबल हेक्टेयर्स में किया जाता है और यह ग्लोबली कंपेरेबल होता है अगर हम वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करें तो और कार्बन फुटप्रिंट किसमें मेजर किया जाता है यह टन्स ऑफ सी ओ इमिटेड पर ईयर और जैसा मैंने बोला कि कार्बन फुटप्रिंट प्रिंट प्राइमरली सी ओ फोकस होता है लेकिन उसमें अदर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को भी इंकॉपरेट किया जाता है तो वही यहाँ पे है कि मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो सप्लीमेंट टू कार्बन फुट प्रिंट मतलब कि इसे तो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को टंस में मेजर किया जाता है लेकिन अदर गैसेज के इमिशन को भी उसमें इनकॉपरेट किया जाता है कि वो कितना इक्वेलेंट है सी ओ टू के अमाउंट से उनका इफेक्ट कंपेयर किया जाता है सी ओ टू के इफेक्ट से और फिर ये टोटल कार्बन फुटप्रिंट प्रिंट में इनकारट किया जाता है और जैसा मैंने बताया कि कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक कंपोनेंट है तो जब हम कार्बन फुटप्रिंट को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कॉन्सेप्ट में रिपोर्ट करते हैं तो जो टर्म्स ऑफ सी ओ टू है मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव एरिया मतलब बाय कैपेसिटी रिक्वायर टू सिकेस्टर दो सीओ टो इम्सन मीन्स न्यूट्रलाइज दो सीओ टो इम्सन तो जब हम इकोलॉजिकल फुट प्रिंट के संदर्भ में कार्बन फुट प्रिंट को देखते हैं तो टर्म्स ऑफ सी ओ टू ये मतलब इकोलॉजिकल फूट प्रिंट का एक्सप्रेशन हम प्रोडक्टिव एरिया के अमाउंट में डिनोट करते हैं वो प्रोडक्टिव एरिया जो कि रिक्वायर होता है सी ओ टू या कार्बन फुट के न्यूट्रिलाइजेशन के लिए मतलब कार्बन फुट को न्यूट्रलाइज करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट करंटली बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये लगभग सिक्सटी परसेंट टोटल ह्यूमेंटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का पार्ट है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है ये जो कंपोनेंट है कार्बन फुटप्रिंट जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कंपोनेंट है ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है आप इसी बात से समझ लीजिए कि अगर हम टोटल इकोलॉजिकल फूड प्रिंट की बात करें पूरे इंटायर वर्ल्ड की तो जिसको वर्ल्ड फूड प्रिंट भी कहते हैं यह है लगभग कितना है यह लगभग वन पॉइंट सिक्स अर्थ के बाय कैपेसिटी के बराबर है मतलब हम जो यूज करते हैं एक साल में जो हमारा डिमांड है मतलब इकोलॉजिकल फूड प्रिंट है एज ए वर्ल्ड अगर हम कंसीडर करें तो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है या वर्ल्ड फुटप्रिंट है वह 1.6 पॉइंट अर्थ के इक्विवेलेंट है मतलब हम जितना एक साल में यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें बाय कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी और वो एक अर्थ से पूरा नहीं हो सकता उसके लिए 1.6 पॉइंट अर्थ की जरूरत होगी मतलब हम एक साल में जो यूज करते हैं रिसोर्सेज उनको प्रोड्यूस करने के लिए वन ईयर एंड एट मंथ्स लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड फूड प्रिंट की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रिंट कंटिन्यूसली इकोलॉजिकल डेफिसिट में है और इसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारा कार्बन फूड प्रिंट है वो इंक्रीज हो गया लगभग इलेवन फोल्ड सिंस 1961। सिक्सटी so, सो अभी कंडीशन बहुत बुरा है इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पॉलिसी मेकर्स को इन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि इन्वामेंट इन्वामेंट के वैल्यू को डेवलप कंट्रीज़ कभी नहीं समझी हैं स्पेशली पॉलिसी मेकर्स इनके वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के जो सिटीजन होते हैं वो इकोलॉजिकल एसेट्स के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं फ्यूचर में जो भी कंट्रीज़ इनको वैल्यूज़ देंगी वो कंट्रीज आगे बढ़ेंगी आप देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड कार्बन फुटप्रिंट कि इस ग्राफ को 1961 की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट आप देख रहे हैं इतना था कार्बन इमसन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत ज़्यादा तो अगर आज हम कंसिडर करें तो सिक्सटी परसेंट इकोलॉजिकल फूट का क्या है कार्बन फुटप्रिंट है अगर रेस्ट की बात करें तो वो स्लाइट इंक्रीज है अगर आप यहाँ से देखें 1961 से तो ये भी बढ़े हैं लेकिन इनकी तुलना में कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को थैंक यू धन्यवाद जय हिंद